पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक भगोड़े भारतीय गुरु की प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भाषण दे रही है। ये प्रतिनिधि खुद को कैलासा नाम के एक काल्पनिक देश का प्रतिनिधि बताती है। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो जिनेवा में हुए उसके दो कार्यक्रमों में एक भगोड़े भारतीय गुरु के काल्पनिक देश के प्रतिनिधि की बातों को नजरअंदाज करेगा। स्वयंभू गुरु नित्यानंद पर भारत में बलात्कार और यौन हिंसा के केस हैं। नित्यानंद अपने ऊपर लगे अभियोगों का खंडन करते रहे हैं। उन्होंने साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा यानी USK नामक एक काल्पनिक देश की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र के दो कार्यक्रमों में इस काल्पनिक देश के प्रतिनिधि का भाषण भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। भारत सरकार ने इस विषय पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने ईमेल के जरिए BBC को बताया है, USK के प्रतिनिधि ने फरवरी में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दो कार्यक्रमों को अटेंड किया था। पहला कार्यक्रम महिलाओं की निर्णायक पदों पर भागीदारी के बारे में था। उसका आयोजन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ने किया था। यह कार्यक्रम 22 फरवरी को हुआ था। इसके बाद 24 फरवरी को एक बार फिर USK के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में हिस्सा लिया था। उस बैठक में विकास की दिशा के बारे में चर्चा हो रही थी। UN की मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त विवियन क्वॉक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ये आम बैठकें होती हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। विवियन क्वॉक ने कहा कि USK के प्रतिनिधि के विचारों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस विषय पर बैठक हो रही थी उसके अनुसार उनके विचार अप्रासंगिक थे। उच्चायुक्त ने यह भी कहा है कि दूसरी बैठक में व्यक्त किए गए विचार भी अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं कि कैलासा की प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में क्या कहा था। UN की वेबसाइट पर मौजूद एक वीडियो में जब मीटिंग में आए लोगों से सवाल पूछने को कहा गया तो एक महिला ने प्रश्न पूछा। इस महिला ने अपना नाम विजय प्रिया नित्यानंद बताया। महिला ने कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत है। विजय प्रिया ने कहा कि वे सतत विकास से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछना चाहती है। इसके बाद विजय प्रिया कहती हैं कि USK हिंदुओं का पहला संप्रभु देश है जिसकी स्थापना नित्यानंद ने की है। उन्होंने नित्यानंद को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु बताया। इसके बाद विजय प्रिया ने दावा किया, कैलासा विकास के मामले में एक सफल देश है क्योंकि वहां सबको भोजन, रहने की जगह और मेडिकल केयर मुफ्त मुहैया करवाई जाती है। उनका सवाल था, नित्यानंद और कैलासा की प्रताड़ना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जहां तक नित्यानंद की बात है तो बलात्कार के आरोपों से घिरने के बाद नित्यानंद साल 2019 में भारत से भाग गए थे। एक महिला श्रद्धालु ने उन पर आरोप लगाया था कि नित्यानंद ने साल 2010 में उनका रेप किया था। इसके बाद नित्यानंद को थोड़े समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे। साल 2019 में भारत से जाने के बाद नित्यानंद ने दावा किया कि उन्होंने इक्वाडोर के तट के पास एक द्वीप खरीदा है। अब वे उसी द्वीप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा कहते हैं। उस वक्त इक्वाडोर ने नित्यानंद के देश में होने से इनकार किया था। इक्वाडोर ने कहा था कि नित्यानंद को इक्वाडोर में शरण नहीं दी गई है। इक्वाडोर की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। 2019 के बाद नित्यानंद सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं, लेकिन वे अपने प्रवचनों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं।